आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। आज मैं बना रही हूँ सोया चाप की सब्जी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। मैं रेस्टोरेंट जैसी बना रही हूँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से। सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ सोया चाप ली है। ये मार्केट में कई तरह की आती है। ये फ्रोजन वाली हैं, मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। हमने इस तरह से करके देख लेना है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं तो जो इसी तरह से निकल जाती हैं। अगर ये इस तरह से नहीं निकले, ये देखिए, अगर ये इस तरह से ना निकले तो आप इसको 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दें, जो आराम से इस तरह से निकल जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से ये निकल जाएगी। ये देखिए, अभी हमने इनको पीसेस में काट लेना है। जो इसके पीस रखने हैं वो थोड़े से बड़े रखने हैं। देखिए इस तरह से सोया चाप मैंने काट ली है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए सारी चाप मैंने अंदर डाल दी हैं। गैस को हमने मीडियम टू लो रखना है ताकि जो सोया चाप है अच्छे से पक जाए। जब ये पक जाती हैं तो इसकी जो लेयर है वो पूरी तरह से खुल जाती हैं, जो फूल जाती हैं। अभी आप देखना इसमें, जैसे जैसे सोया चाप पक जाएगी जो फूल जाएगी। इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है, इनकी साइड चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड कर देंगे अभी हम, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। गैस को यहाँ मैंने लो रखा है ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखिए सोया चाप फूलनी शुरू हो गई हैं, जैसे जैसे पकेंगी जो फूल जाएंगी। सोया चाप ने अपना कलर चेंज कर लिया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। देखिए सारी सोया चाप मैंने निकाल ली है। सोया चाप को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। यहाँ मैंने 4 सोया चाप ली थी तो जो मैं 1/4 कप, मतलब 2 टेबल स्पून है जो दही के डाल रही हूँ। दही हमने इतना डालना है कि जो अच्छे से उसमें डिप हो जाए, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जो छोटा चम्मच मैं चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें, आधा छोटा चम्मच मैं देगी मिर्च का डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ नमक यूज़ नहीं कर रही क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको दही के साथ, मसालों के साथ, ताकि जो हमारे मसाले हैं, दही है, सोया चाप में अच्छे से चले जाएँ। अभी हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। प्याज को हमने अच्छे से बारीक काट लेना है। टमाटर और हरी मिर्च की मैं प्यूरी बना रही हूँ। देखिए प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। खड़े मसालों में मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही। 2 लौंग मैंने लिए हैं, 1 इलायची ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी ली है, 1 छोटा चम्मच नमक का ले रही हूँ मैं, 1.5 चम्मच मैं देगी मिर्च का ले रही हूँ यहाँ, ये देखिए, 1 चम्मच हल्दी का ले रही हूँ जो छोटे वाले चम्मच हैं, 1 चम्मच किचन किंग ले रही हूँ, धनिया पाउडर के मैं यहाँ 3 चम्मच ले रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने यहाँ लिया है रिफाइंड ऑयल, 2 कड़छी ली है मैंने। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच, इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। मसाले भुन चुके हैं, अभी मैं प्याज डाल रही हूँ, जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हैं। इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है हमने। 1-2 मिनट हो चुके हैं, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दें और अच्छे से पक ना जाए। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने निकाले थे, अच्छे से मिक्स कर देना है इनको।
मसाले डाल के हमने अच्छे से इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको लगे कि मसाला जो हमारा नीचे लग रहा है तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेना है अच्छे से। जितना अच्छी तरह से आप अपना मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी जी सोया चाप। ये 2-3 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से भून चुका है ये देखिए। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मैं यहाँ 1/2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। जब हमारी ग्रेवी में थोड़ा सा बॉयल आने लग जाए तो हम इसमें सोया चाप जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अभी हमने गैस को लो कर देना है, लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है अच्छे से। जब ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे इसमें। 1-2 बॉयल आ चुके हैं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, 1/4 गिलास है ये। अभी हमने गैस को लो करके सोया चाप को इनके बीच में पकाना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है पूरी तरह से सोया चाप के अंदर चली जाए। आप चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। ये देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है खाने में उतनी ही डिलीशियस है ये। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने मैरिनेट करते समय डाला था। गैस को यहाँ बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं। जब हम गैस बंद कर देंगे उसके बाद थोड़ी सी मलाई को चम्मच के साथ स्मूथ करके आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। सोया चाप की सब्ज़ी हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।